हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज फोटोनिक ऑडियो साइंस। इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर डिस्कसिंग अबाउट सम एग्जांपल्स ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन आवर डेली लाइफ। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग अवर लेक्चर रिलेटेड टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो स्टूडेंट्स, हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को देखने वाले हैं। आइए इसे स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, हमने ये चीज आपको बताए थे। सबसे पहले बात हमने की थी क्रिटिकल एंगल की, और क्रिटिकल एंगल के बाद जो इवेंट होता है वो होता है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक्चुअल में जब रे ऑफ लाइट जो रहती है आपकी, रे ऑफ लाइट वो जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाती रहे, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, तो हमने ये देखा था कि लाइट की रे अवे फ्रॉम नॉर्मल रे हो जाती है ना, अवे फ्रॉम नॉर्मल रे हो जाती है। तो हमने एक चीज और देखे थे कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस की स्पेशल वैल्यू, जब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमको 90 डिग्री मिल जाए तो उसे हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। ये तो हमने पढ़े ही थे, है ना, ड्यूरिंग प्रोपेगेशन ऑफ लाइट फ्रॉम रियर डेंसर मीडियम टू रियर मीडियम। बट हमने इसके बाद की कंडीशन देखे थे, ये समय हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कम, क्रिटिकल एंगल ज्यादा था। तो अब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से और बढ़ाएंगे। तो आप देख रहे होंगे हमने यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर कर दिए। तो हमने ये देखे कि लाइट की रे जो सरफेस पे थी क्रिटिकल एंगल के लिए, लाइट की रे जो सरफेस पे थी अब वो अपना मीडियम चेंज करने के बजाय जिस मीडियम से आई उसी मीडियम में, डेंसर मीडियम से डेंसर मीडियम में लौट जाएगी। इसे हम कहते थे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके बारे में आपको लिखवा दिया गया है, इसकी नेसेसरी कंडीशंस भी आपको बता दी गई। ठीक है, तो अब हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के डेली लाइफ में यूजेस देख रहे हैं। तो इसमें हम एनिमेशन की हेल्प से भी देखेंगे। वीडियो लेक्चर क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए हम इसमें आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की जो दो एप्लीकेशन है, शाइनिंग ऑफ डायमंड एंड मिराज, ये कवर करवाएंगे। बाकी का जो ऑप्टिकल फाइबर है वो एक अपने में एक अलग ही टॉपिक है, उसके लिए आपको आई बटन पे क्लिक करके ऑप्टिकल फाइबर को देखना होगा। आई बटन पे भी क्लिक करके आप ऑप्टिकल फाइबर को देख सकते हैं, और हम डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी दे देंगे, आप वहां से भी इसे ऑप्टिकल फाइबर को, हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो है, आप उसे देख सकते हैं। तो डेली लाइफ में जो मिराज इंटरनल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है उसके हमारे डेली लाइफ में थ्री एग्जांपल्स हम देखने के लिए मिलते हैं हमें। जनरली शाइनिंग ऑफ डायमंड, हीरे का चमकना, मिराज और ऑप्टिकल फाइबर, हम इसे समझने वाले हैं। आइए इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारी शुरुआत होगी शाइनिंग ऑफ डायमंड, डायमंड क्यों चमकता है। ओके, तो देखिए, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है शाइनिंग ऑफ डायमंड, डायमंड शाइन क्यों करता है ना। तो शाइनिंग ऑफ डायमंड आपको दिख रहा होगा फिगर में, डायमंड का शेप ऐसा है, इसको हेक्सागोनल शेप बोलते हैं, है ना। आपको पता होगा डायमंड का शेप कैसा होता है, हेक्सागोनल होता है, है ना, डायमंड ग्रेफाइट हेक्सागोनल की, ठीक है, छह फेस, सिक्स फेसेस होती है इसमें, और इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अप्रोक्सीमेटली जो आपका रहता है 2.42 होता है, उसमें सिक्स फेसेस है। ओके, और जरा अगर मैं आपको पहले समझाना चाहूँ तो जरा समझिएगा। सेम देखिए, अब तक क्या था, ग्लास के शीट में एक ही सरफेस होता था, लाइट की रे उसमें एक तरफ इंटर होता, मतलब इंसिडेंट होता था, और दूसरी तरफ लाइट की रे क्या होती थी, इमर्ज होती थी, बाहर निकलती थी। पर यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे छह फेस है, एक फेस, दो फेस, तीन फेस, चार, तीन चार, एक पाँच, और छह फेस। तो यहाँ पे छह फेस से लाइट की रे इंसिडेंट होगी, और रिमेनिंग फाइव फेस से क्या होगी, लाइट की रे इमर्ज होगी बाहर, रिफ्लेक्शन आफ्टर रिफ्लेक्शन इमर्ज होगी, इसलिए डायमंड हमें चमकता हुए दिखता है। ओके, और डायमंड का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 2.42 होता है, और इसमें डायमंड के लिए जो लाइट की रे है जिसको जानबूझ के ऐसा काटा जाता है, देखिए आपको कट दिख रहा होगा इसका, इसको जानबूझ के थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा आपको दिख रहा होगा, ऐसा जानबूझ के काटा जाता है इसको। हम सोचते हैं कि डायमंड फ्लैट क्यों नहीं है, डायमंड को कट करते इसलिए तो उसका चमक अच्छे से आती है, क्योंकि डायमंड का कट इस टाइप से किया जाता है कि उस पर लाइट की रे जब इंसिडेंट हो तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो, क्रिटिकल एंगल इसको काटते समय अप्रोक्सीमेटली 24.4 डिग्री मतलब ऐसा काटा जाता है कि इस पे जब लाइट की रे इंसिडेंट हो तो इंसिडेंट रे जो रहेगी वो इतना एंगल बना सके, 24.4 डिग्री का एंगल इसमें बना सके, इसको इस टाइप से काटा जाता है, और जिसके कारण एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगी, और लाइट रिफ्लेक्शन की जगह रिफ्लेक्शन शो करने लग जाएगा, और डायमंड जब रिफ्लेक्शन होगा तब तो डायमंड आपको चमकदार दिखाई देगा। ओके, तो चलिए इसका लिख लेते हैं हम जवाब। तो जवाब आप देख पा रहे होंगे, इसका जवाब ये है आपके सामने,
और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। ये तो हमने अभी आपको बताया कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4.42 होता है एंड क्रिटिकल एंगल इज 24.4 डिग्री या 24.41 डिग्री विच इज वेरी लेस। क्रिटिकल एंगल छोटा हो जाता है, मैंने अभी ये भी समझाया कि क्रिटिकल एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस से छोटा हो जाता है। द कोर इज कट इज सच अ वे दैट व्हेनेवर लाइट इज इंसिडेंट ऑन एनी ऑफ इट्स फेस द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन 24.41 डिग्री। इसके कोर को मतलब एक साइड को इस टाइप से काटा जाता है और इसे डिजाइन की जाती है कि लाइट की रे इसके किसी भी फेस से पड़े एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा हो जाएगा क्रिटिकल एंगल 24.4 डिग्री से। देयरफॉर व्हेन लाइट फॉल्स अ डायमंड, इसी कारण जब लाइट डायमंड पे गिरता है इट अंडरगोज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अगेन एंड अगेन। इसके कारण जब लाइट की रे जो होती है डायमंड के अंदर जाती है तो उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बार बार होता है। ठीक है, द इंटर्ड लाइट लीव ओनली दोज फ्यू पॉइंट्स वेयर द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन क्रिटिकल। लाइट की रे वहीं से बाहर निकल सकती है जहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से छोटा हो। व्हेन द लाइट एग्जिट फ्रॉम द दिस पॉइंट इन द सर्टेन डायरेक्शन डायमंड अपीयर शाइन। जब लाइट इन्हीं डायरेक्शनों से बाहर निकलती है एज अ रिजल्ट डायमंड हमें शाइनिंग फॉर्म में दिखता है। तो आपका डायमंड वाला एक आध नंबर का अगर आएगा, एक दो नंबर का आता है, ठीक है, तो आपको ये जवाब लिखना चाहिए यहाँ पे। चलिए अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है मिराज, कि एक्चुअल में मिराज क्या चीज है। तो देखिए जरा मिराज को तो मिराज क्या होता है देखिएगा, और ऑप्टिकल फाइबर जो है मैंने एक पर्सनल इसका वीडियो बनाया हूँ, उस वीडियो को आप इसे आई बटन पे क्लिक करके आप इसे देख लीजिएगा। ओके, या डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी दी है, आप वहां से भी इसे देख सकते हैं। तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो है मिराज, आइए इसे समझते हैं। तो मिराज क्या होता है, मिराज को हिंदी में हम कहते हैं मृत तृष्णा। तृष्णा मतलब प्यास और मृग मतलब एक प्रकार से कन्फ्यूजन। तो आपको पता होना चाहिए जब हमको वाटर का कन्फ्यूजन होता है, जब हमें पानी का कन्फ्यूजन होता है, वाटर का कन्फ्यूजन होता है, तो इसी को भाई हम मिराज कहते हैं, ये आपको बनना चाहिए। ओके, जब हमें पानी का कन्फ्यूजन होता है तो इसी को हम क्या कहते हैं, मिराज कहते हैं। तो मिराज को समझने से पहले आइए हम कुछ इसका एनिमेशन देखें और फिर उसके बाद हम मिराज के ऊपर डिस्कशन आपसे करेंगे। And we are back with the concept of physics for you. And for that, I want you all to look very carefully at the road. Can you see that? It seems like we are driving in a river. And you look carefully, as you're going closer, layer by layer is actually disappearing. There goes a layer. Right. And see the next layer, right? Mm. This is amazing, right? Don't you feel we should understand how exactly this happens? And for that, my friend here, Pooja, is going to take you to a desert. So, are you guys ready? Now, seeing water on a highway is one thing. But imagine a thirsty traveler traveling in a desert, he sees water. There is nothing more miserable than that, right? Let's understand why this happens. तो आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे हम जब सड़क पे चलते हैं, तो सड़क पे चलते समय आपने देखे होंगे कि हमें कभी कभी रोड पे पानी का पड़े होने का आभास होता है ना? तो हम वहां पे जब जाके देखते तो वहां पे पानी पड़ा नहीं रहता। वही चीज उन्होंने हमको शुरू में कार में दिखा दी है। ओके, अब आगे देखते हैं कि आगे क्या बताना चाह रहे वो। तो देखिए because of that the air molecules above are warm but as you go up it keeps on becoming cooler and cooler that means right now at this level if I hold my hand like this I can clearly see the difference that is my niche aapka haath agar aap registan mein jaye desert mein aur aap baithenge to aap dekhenge ki aapka haath niche ki taraf garam aur jitna upar jayega utna thanda rahega wohi cheez jo dikhane ki koshish kar rahe hain lower hand is much more warmer in comparison to the above hand which is much more cooler so what we have understood is the layer at the bottom is more warmer but as you go up it gradually keeps on becoming cooler and cooler now the light from the sun hits the object the tree there is the object after hitting the object the light will reflect and it will enter the first layer now the first layer is denser now as and when the light is going from denser to rarer it will keep on bending away from the normal So at each layer what you see is the light is bending away from the normal. But at one point, what you'll notice is
light will hit at an angle which is greater than critical angle, and at that, यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे सब नॉर्मल रे बनी हुई है. सन का लाइट देखे ब्राइट फॉर्म में आपको दिख रहा होगा, पेड़ पे पड़ा और फिर नॉर्मल रे से देखे उस पर्सन के ऑब्जर्वर के आंखों पे पड़ रहा है. एट पॉइंट इंस्टेड ऑफ लाइट अंडरगोइंग रिफ्रैक्शन द लाइट विल अंडरगो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड एंटर माई आई. नाउ वंस इट एंटर्स माई आई, ह्यूमन आई ऑलवेज परसीव्स दैट लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. सो नाउ आई कैन सी द रिफ्लेक्शन देयर एट द बॉटम. So the reflection of the tree is there. Similarly, the reflection of the cloud is also seen there, and that appears like water. So that is how mirage takes place. So let's summarize the key points. For mirage to occur, there has to be total internal reflection. And for total internal reflection, there has to be two conditions that needs to be fulfilled. The first one is light should always enter from denser medium to rarer medium. And the second condition is very simple. Light should hit at an angle which is greater than critical angle. So here are some amazing mirages that happen in nature. तो स्टूडेंट्स आप समझ पाए होंगे कि मिराज एक्चुअल में होता क्या है. आप इसे मिराज को अच्छे से समझ गए होंगे और आपने मिराज में ये भी देखा कि ये जनरली डेजर्ट में पाया जाता है ना. कोल्ड कंट्री वाला मिराज भी होता है और उसमें क्या होता है, उसमें आपने देखे होंगे कि यहाँ पर हमें जो पेड़ था वो पेड़ हमें नीचे दिखाई दिया, ऐसा लगा कि नीचे पानी पड़ा है. पर जब आप कोल्ड कंट्री में जाओगे तो कोल्ड कंट्री में कोल्ड सिटी में जब आप जाओगे तो आप देखोगे कि वहां पे आपको जो समुद्र है सी, उससे जो बोट आते दिख रही है वो बोट आसमान में भी आभास होगी कि आसमान से उल्टी आ रही है ना, इन्वर्टेड फॉर्म में आ रही है. तो वो डेजर्ट इन कोल्ड कंट्री या कोल्ड सिटी का हो सकता है इन मिराज, मिराज ऑफ कोल्ड कंट्री एंड कोल्ड सिटी हो सकता है आपका. ओके तो चलिए अब मिराज में आपने जो सीखा उसके बेस पे अपन बात कर लेते हैं. तो अपन ने पढ़ ही लिए थे कि मिराज तभी होता है जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए आप कुछ भी जवाब लिख दीजिए चल जाएगा इसमें. बस आपके दो चीज चेक होती है कि आप सही लिख पा रहे हो कि नहीं, कि लाइट की रे डेंसर टू रेयर में जा रही है, डेंसर टू रेयर, और नंबर दो आई की वैल्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. ये दो चीज को देख के आपका आंसर सही दिया जाएगा. पर इसमें अब रही बात फिगर बनाने की, कई लोग बोलेंगे सर आपने एनिमेशन में हमको फिगर दिखा दिया, अब हम एग्जाम में कैसे बनाए. अगर आपको फिगर के लगता है कि हमें फिगर भी इस पे और इसको अच्छे समझा सकते तो आप बना दीजिएगा इसको. देखिए ऐसा यहां कर दीजिए आप पेड़ को खड़ा, ये देखिए ऐसा ट्री है, ट्री को आप ऐसा खड़ा कर दीजिए यहाँ पे. यहाँ पे देखिए ग्राउंड लेवल है, यहाँ पे बना दीजिए एक पर्सन को, ठीक है, पूरा फुल उसकी ड्राइंग बनाते मत रहिएगा, बस उसे बना दीजिएगा. देखिए अब आप बताएंगे कि जैसे ये देखिए ये लाइट की रे उसके पर्सन की आंख से निकल के इस पे ट्री पे पड़ी, तो उस समय क्या है, उस समय आपका आई एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्या है, क्रिटिकल एंगल है. तो उस समय क्या होगा, पर्सन को जरा देखिएगा नीचे भ्रम होगा, उसे लगेगा कि नीचे आपका वाटर पड़ा हुआ है, नीचे क्या है आपका वाटर पड़ा है, उसे इस चीज का कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है, कंफ्यूजन ऑफ वाटर हो जाएगा उसे. तो आप बताएंगे कि यही जो कंफ्यूजन ऑफ वाटर इन डेजर्ट है इसी को हम कहते हैं भाई मिराज. ओके ये आप बताएंगे, ये फिगर बना दीजिएगा आप इसे और ये बता दीजिएगा कि डेंसर टू रियर जा रही है लाइट के लिए. ओके तो इस टाइप से आपका मिराज का जो टॉपिक है वो यहाँ पे खत्म होता है. कंफ्यूजन ऑफ वाटर एंड डेजर्ट इज कॉल्ड मिराज. फिर बता दीजिएगा मिराज तब होता है जब ये एक एल्यूजन है जिसके अकॉर्डिंग जब पर्सन डेजर्ट में जाता है तो वो पाता है कि डेजर्ट में जितने नीचे उसका हैंड है उतना हैंड उतना गर्म होगा, और जितने ऊपर वो जाएगा उतना वापस उसका हैंड उतना कूल होगा. इसी के बेस पे उसने फिर ये बताया कि पर्सन एक डेफिनेट पॉइंट पे जब खड़ा होगा तभी उसको मिराज दिखेगा. एक डेफिनेट पॉइंट, ऐसा नहीं कि आप रेगिस्तान में डेजर्ट में कहीं भी खड़े होकर और आप बोलोगे हमको मिराज को नहीं दिख रहा. एक डेफिनेट कंडीशन पे जब आप खड़े होंगे और उस कंडीशन में लाइट एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए क्रिटिकल एंगल, तभी आप मिराज को देख पाएंगे. ओके तभी आपके सामने ये इल्यूजन आएगा, ये एक प्रकार से वाटर का कंफ्यूजन होगा और इसी को हम कहेंगे मिराज. ओके और रही बात ऑप्टिकल फाइबर की, तो ऑप्टिकल फाइबर हम आपको अब थर्ड जो बचा है इसका ऑप्टिकल फाइबर, इसका मैंने एनिमेशन है मेरा आपको दिखा देता हूं मैं. तो स्टूडेंट जिससे आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे ऑप्टिकल फाइबर एंड मिराज ये वीडियो बना हुआ है, मैं इसे भेज दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा. ओके